गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त टीना मसी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अपने गार्डन की नई सेटिंग। तूफ़ान के बाद जो मेरे गार्डन की हालत हो गई थी वो सब आपने देखा ही है फ्रेंड्स। तो मैंने अपने गार्डन की सेटिंग कर ली है, तो इसके साथ साथ मुझे लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ कि मैं अपने गार्डन की सेटिंग कैसे की है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे खूबसूरत गुलाब के फूलों से मिलिए, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और गुलाब पे फ्रेंड्स अब अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा प्राचीता का वाइन जो गिर गया था, दोबारा से सेटिंग किया है फ्रेंड्स मैंने। यहाँ कुछ मैंने हैंगिंग बास्केट लगा दिए हैं, देखिए। और फ्रेंड्स, इस वाले रोज़ पे भी मेरा बहुत सुंदर सा रोज़ आया है, देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका, ये डबल कलर का फ्लावर है। और ये देखिए कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं, देख रहे हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये मेरा देसी गुलाब है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बर्ड्स भी काफ़ी आई हुई हैं। और इधर मुझे मैंने एक लेडी पाम रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से मेरे गार्डन की सेटिंग है। पहले मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने गार्डन की सेटिंग की है। इस वाले टेरेस पे रख दिए फ्रेंड्स काफ़ी प्लांट्स मैंने, जो अब गर्मी के कारण मैंने काफ़ी इकट्ठे से प्लांट रखे हुए थे, तो अब मैंने थोड़े दूर दूर करके प्लांट रखे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सेंटर पॉइंट बनाया है और इस साइड पे ऐसे रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नज़दीक जाके दिखाती हूँ आपको और सारे प्लांट्स भी दिखाती हूँ क्या हालत है। कुछ पॉट्स नए चेंज किए हैं, कुछ मेरे जो पॉट टूट गए थे और कुछ पॉट्स को मैंने पेंट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे गेंदा के फ्लावर, जो फ्लावर तो आए थे लेकिन अब थोड़ा सा ये मुरझाने लग गया है, क्योंकि अब पता नहीं इसके जाने का वक्त हो गया है। दोबारा से अब कोई और नए प्लांट्स लगाएंगे फ्रेंड्स। और ये है मेरे ललटाना का प्लांट, देखिए फ्रेंड्स, इस पर तो अच्छे से फ्लावरिंग होती ही रहती है, आपको पता ही है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन की सेटिंग करने में बहुत दिन लगा दिए हैं, और मुझे भी जल्दी रहती है फ्रेंड्स कि मैं अपने गार्डन की जल्दी से सेटिंग कर लूँ। आप लोगों को पता ही है, जो गार्डनर्स होते हैं उनको अपना बिखरा हुआ गार्डन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बोगनवेला का प्लांट है, देखिए इस पर डबल पेटल, डबल फ्लावर आते हैं, डबल कलर होता है इसका, पिंक और वाइट सा कलर है, बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और फ्रेंड्स, ये नीचे हैं सारे पोर्चुला। और ये पर्सलिन, देखिए ये पर्सलिन रेड कलर का फ्लावर है, देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, कितना खूबसूरत हो गया। और ये पर्सलिन है येलो कलर का, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ पॉट्स दिख रहे हैं, ये सब मैंने ये कटिंग से ग्रो किए हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये है मेरा कॉस्मोस का प्लांट, देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो तीन इसके प्लांट रह गए हैं, काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ मैंने संभाल लिए थे फ्रेंड्स, नहीं तो तूफ़ान में वो भी उड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल से संभाले हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट, देखिए इस पर कलियाँ देख रहे हैं अब कितने खूबसूरत हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी का है फ्रेंड्स, छोटा ही रहता है लेकिन बहुत सुंदर से इसमें फ्लावर आते हैं। और इधर है फ्रेंड्स मेरा ये मैक्सिकन पिटोनिया, इसके साथ मैंने ये कोलिस की कटिंग लगाई हुई है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर भी मेरा पर्सलिन, देखिए फ्रेंड्स ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की है। और इधर है ये भी मैक्सिकन पिटोनिया, इधर भी मॉस रोज है फ्रेंड्स। और इस साइड पे मेरे सारे चंपा के प्लांट पड़े हैं। और ये है नाग चंपा फ्रेंड्स, देखिए इस पर कितनी खूबसूरती से कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिन से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, देखिए
और इधर भी सारे फ्रेंड्स मेरे मॉस रोज और पोर्चुला हैं। इस साइड पे मेरा एक एलोवेरा की वैरायटी पड़ी है और उधर है मेरा टॉर्च बोगनवेला। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स इस साइड पे है मेरा ये सुख शांति का पौधा और इधर भी मॉस रोज और पोर्चुला और ये पर्सलिन। देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। और बीच में ये स्नेक प्लांट है और इधर है मेरा ये पेंसिल कैक्टस और इधर ये डबल चांदनी का प्लांट है। और फ्रेंड्स ये है मेरा बोगनवेला का प्लांट है। एक येलो कलर का है और एक मजंटा कलर यानी रानी कलर का है। ये दोनों मिक्स करके रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अलग है और ये अलग है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है फ्रेंड्स मेरा हाइबिस्कस का प्लांट। इस पे कल फ्लावर खिला हुआ था तो ये बंद हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये आज खिलने वाला है। अभी सुबह के 9 बजे हैं इसलिए पूरी तरह खिला नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। और इधर है फ्रेंड्स मेरे लेमन का प्लांट। ये देखिए इस टीन के डब्बे में लगा हुआ है जो मैंने पेंट कर दिया है। और इधर भी ये फ्रेंड्स इसका भी मैंने पॉट चेंज कर दिया है। इसका पॉट ख़राब हो गया था, ये टीन में लगा दिया है और इसको पेंट भी कर दिया है। अमरूद का प्लांट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छे से चल रहा है। और इस साइड पे है फ्रेंड्स मेरे देखिए मॉस रोज और पोर्चुला पर्सलिन काफ़ी बीच में लगाए हुए हैं। और मैंने इस साइड पे है मेरा सारा ये हाइबिस्कस का प्लांट। डबल पेटल वाला फ्लावर आते हैं, देखिए इस पर कली भी बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स और इधर मेरे कुछ गुलाब के प्लांट हैं, आप देख ही सकते हैं। गुलाब पे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए दूसरे टेरेस पर चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मेरा ये मैक्सिकन पिटोनिया, देखा कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये सबसे खूबसूरत मुझे प्लांट लगते हैं, फ्लावर लगते हैं देखिए। लेकिन ये थोड़ी ही इसकी लाइफ होती है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये अभी भी खिले हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए फ्रेंड्स। और इधर है ये वाइट वाला मॉस रोज और ये दो इमली के सीड, दो जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, इमली के सीड डाल दिए थे मैंने कहीं कहीं, ये सारे प्लांट निकल आए हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से चल रहे हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने बीच में ये अगेव का प्लांट रखा है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे प्लांट रख दिए हैं पत्थर चट के। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की है अपने गार्डन की। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे टेरेस पर चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इधर मैंने सेटिंग की है। ये है मेरा चमेली का प्लांट जो अच्छे से वाइन बनी हुई है, अभी फ्लावरिंग देखते हैं कब आएगी। और फ्रेंड्स इधर है मॉस रोज के छोटे छोटे प्लांटर और इधर है ये मेरा वडेलिया का प्लांट जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर। और फ्रेंड्स इधर है ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ कनेर का प्लांट, इधर स्वीट पोटैटो वाइन और ये फायर बुश का प्लांट है जो मैंने कटिंग कर दिया था। और फ्रेंड्स ये है मेरा आलमंडा की वाइन जो अभी 2-3 दिन पहले फ्लावरिंग कर रही थी, देखिए। और ये देखिए ऐसे लगी हुई है ये। और फ्रेंड्स इस साइड पे मेरा एक पर्सलिन है, इसी में से मैंने कटिंग ले लेकर 2-3 और जगह लगाई है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये कॉर्न है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाई थे ये कॉर्न लगाए हैं मैंने हाइब्रिड के। और इस साइड पे भी देखिए फ्रेंड्स मॉस रोज हैं, देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने नीचे रखे हैं ये जेड प्लांट अपने सारे। और इधर फ्रेंड्स मैंने ये लल्टाना का प्लांट येलो कलर का है, इसमें काफ़ी अच्छे हैवी फ्लावरिंग हुई थी, अब फूल झड़ गए हैं लेकिन फिर से दोबारा हो जाएगी। और ये है मेरे हैंगिंग बास्केट्स जो जेड प्लांट के हैं। और इधर एक हेज है और ये डेविल बैकबोन भी इसमें लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका ओवरव्यू आता है इस साइड का। और फ्रेंड्स ये है मेरी वाइन स्पाइरगल्स फर्न, आपको पता ही ये सारी गिर गई थी फ्रेंड्स, इसका पॉट भी गिर गया था लेकिन मैंने संभाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ये देखिए फ्रेंड्स सूख भी रही है क्योंकि इसमें काफ़ी ब्रांचेस टूट गई थी तूफान के कारण,
तो मैंने इसको सेट करके रखा है, देखिए फिर भी बहुत अच्छे से लग रही है। और इस साइड पे फ्रेंड्स मेरे सारे मॉस रोज़ हैं, और ये पर्सलिन है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इधर है मेरा ये चंपा का प्लांट जो फ्लावरिंग तो काफ़ी दिनों से कर ही रहा है फ्रेंड्स। और इस साइड पे मेरे ये क्या कहते हैं इसको, सदाबहार के प्लांट हैं, विंका के प्लांट हैं, ये देखिए लेमन का प्लांट, ये मॉस रोज़, ये टॉर्च बोगनविला, और ये कनेर का प्लांट, हाइबिस्कस का प्लांट, देखिए फ्रेंड्स। और ये है बोगनविला वाइट कलर का, देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत फूल हैं इसके, बहुत सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए ये पूरा भर जाएगा फ्रेंड्स जब तक इसका मौसम, बरसातों में तो इतनी अच्छी से फ्लावरिंग करता है, ये पूरा ढक लेगा इसके फूलों से, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स। और इसके बीच में भी एक येलो कलर का भी है फ्रेंड्स, उस पर भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है। और ये है फ्रेंड्स मेरे हाइबिस्कस का प्लांट जो मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, देखिए कितना अच्छा इसका कटिंग हो गया है, देख सकते हैं आप, देखिए कितना फ्लावरिंग का वक्त है फ्रेंड्स, लेकिन इसको मुझे लगता है अगले साल ही फ्लावर आएंगे क्योंकि इसकी अभी ये ग्रोथ पे है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये मेरे अलमंडा का प्लांट है फ्रेंड्स, इस पर पिंक कलर के फूल आते हैं, देखिए ये भी फ्रेंड्स गिर गया था तो मैंने इसकी कटिंग लगा ली है, ये देखिए यहाँ से ये टूट गया था तो मैंने इन दोनों की कटिंग लगा दी है। और इधर है मॉस रोज़ फ्रेंड्स, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बीच में ही चीकू का प्लांट है, इधर मेरे हैं सारे ये गोल्डन फाइकस के प्लांट, इधर एक विंका का प्लांट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर एक ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, और इधर पर्पल हार्ट है, देखिए फ्रेंड्स इधर भी विंका का प्लांट है, एक वाइन लगी है, और इसमें कोलियस के प्लांट हैं, देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने अपने गार्डन का लुक दिया है, देखिए फ्रेंड्स ये तीन पॉट तो मेरे आपको पता है, चार पॉट ऐसे ही रहते हैं, उसके नीचे मैंने ये देखिए इस साइड पे मैंने रख दिया है जेड प्लांट, और उस साइड पे भी जेड प्लांट, और ये नीचे बीच में एस्पैरिगस फर्न है, और एक तुजा का प्लांट इधर भी है, तुजा का प्लांट इधर भी है, और एक ये पेंसिल कैक्टस है। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये जो जेड प्लांट है कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसका प्लांटर भी फ्रेंड्स मैंने खुद बनाया हुआ है सीमेंट से। और फ्रेंड्स ये किधर भी है मेरा ये जेड प्लांट, देखिए कितनी खूबसूरती से बड़ा है और कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, इसकी शेप बहुत अच्छी आई है। तो इस तरह से गार्डन का लुक आता है फ्रेंड्स, देखिए। और आपको पता ही है फ्रेंड्स ये मेरा कंघी पाम जो ये साइकस पाम है ये ख़राब हो गया था, बिल्कुल गिर गया था, इसका मैंने देखिए पॉट चेंज कर दिया है तो अभी चल तो गया है, देखिए। और इधर है मेरी कोचिया के प्लांट, देखिए फ्रेंड्स कितनी ग्रीनरी दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इधर फ्रेंड्स सारे छोटे छोटे प्लांटर रखे हैं, ये ड्रेसिना की वैरायटी है, ये अजवाइन का प्लांट है, और ये है फ्रेंड्स मेरे हाइब्रिड विंका के प्लांट, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और फ्रेंड्स इधर भी एक मैक्सिकन पिटोनिया, इसकी तो क्या बात है फ्रेंड्स, देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए इसके फूल, देखें कितना खूबसूरत लगता है देखने में, देखिए मन खुश हो जाता है इसको देख के। और फ्रेंड्स ये भी हाइब्रिड विंका है वाइट कलर का, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर है फ्रेंड्स मेरे सारे जेड प्लांट रखे हैं, और अजवाइन का प्लांट है, बीच में भी एक जेड प्लांट है, ये डेविल बैकबोन जो वेरिगेशन वाला है, इधर भी एक विंका का प्लांट, और उस साइड पे फ्रेंड्स मेरा एक कॉस्मोस का प्लांट पड़ा है, और इधर विडेलिया का प्लांट है, ये जो मैंने कटिंग लगाई थी हाइबिस्कस की, देख सकते हैं आप, देखिए कितनी खूबसूरती से चली है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और फ्रेंड्स इधर देखिए मेरे सारे कोलियस के प्लांट हैं, इधर मेरे सारे इंडोर प्लांट रखे हैं फ्रेंड्स, देखिए। इस साइड से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, देखिए मेरे ये पेंसिल कैक्टस जो मैंने कटिंग से ग्रो कर करके फ्रेंड्स काफ़ी 10-15 प्लांट बनाए हुए हैं इसके, ये इसका मदर प्लांट है, अब दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है इसका मदर प्लांट फ्रेंड्स, इसी में से कटिंग ले लेकर मैंने बहुत सारे बनाए हैं, एक ये है देखिए,
ये एक ही प्लांट था फ्रेंड्स, इसी से मैंने कम से कम 10-15 प्लांट बना लिए। और एक ये है, ये भी इसी से कटिंग लेकर बनाया हुआ है। और इधर है मेरा एक और कॉस्मोस का प्लांट, इधर ये बोस्टन फर्न की वैरायटी है। और ये है मेरे स्वीट पोटैटो की वाइन, इधर अरेलिया के प्लांट हैं। और इधर देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए वडेलिया का प्लांट है, कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है मेरा एरोहेड का प्लांट। और इधर है पॉनिक्स पाम। और इधर ये स्टारलाइट फाइकस। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ओवरव्यू आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे। देखिए मैंने सेंटर में ये बीच में सारी जगह खाली कर ली है और इस तरह से मैंने गार्डन का लुक दिया है। बिल्कुल साइड साइड पे मैंने प्लांट्स रख दिए हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें जब अंधेरी, बारिश या कोई तूफान आए तो हमारे जो दीवार है वॉल की, हमें सपोर्ट मिलती रहती है प्लांट्स को, तो जल्दी गिरते नहीं है फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स गार्डन का लुक। तो फ्रेंड्स मेरे गार्डन का लुक, नया लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो ही नहीं किसी और की वीडियो भी प्लीज़ फ्रेंड्स 5 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट ज़रूर देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। अगर आप वीडियो बिना देखे कमेंट्स कर देते हैं तो वो हाइड हो जाता है, तो वो मिल नहीं पाता फ्रेंड्स। या सब्सक्राइब भी करते हैं तब भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। किसी का भी वीडियो फ्रेंड्स मैं ज़रूर देखती हूँ, तभी सा कोई कमेंट करती हूँ। अगर हम बिना देखे कमेंट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, कमेंट्स पहुँचता नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मुझे कई कमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि वीडियो ज़रूर देखें और फिर ही कमेंट्स डालें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी सेटिंग, और इस टेरेस का भी देखिए फ्रेंड्स दूर से ऐसे है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स आपसे फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो ज़रूर देखें और तभी कमेंट डालें। ओके फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय।